हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मिशन प्रेरणा के तहत आप लोगों के लिए जो है प्रेरणा क्विज जो आप लोगों से पूछा जाएगा, कोई भी आएगा, इन सब प्रश्नों के बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो सीआरसी स्तर पे हो, फिर या बीआरसी स्तर पे हो। यही सारी रिपोर्टें हमारी जिला स्तर से सीधे सीधे प्रदेश सरकार को जाएंगे। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्रेरणा क्विज है वो हम सबको आना ही चाहिए। इस क्विज से ये पता लगता है कि अध्यापक ने जो गवर्नमेंट ने अपने मॉड्यूल तैयार कराए थे वो मॉड्यूल सभी अध्यापकों ने तैयार किए हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वो 10 प्रश्न जो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? भाषा या फिर गणित, या भाषा और गणित, या भाषा गणित और ईवीएस। जब तक आप पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे इनके आंसर आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उसमें केवल भाषा और गणित को लिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वाला सही है, भाषा और गणित। तो प्रश्न दो है, कक्षा एक के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य हैं। निर्धारित सूची के भाषा में 10 शब्द एवं गणित में 10 शब्दों की पहचान। निर्धारित या दूसरा है, निर्धारित सूची के भाषा में 5 शब्द एवं गणित के 5 शब्दों की पहचान। तीसरा है, निर्धारित सूची में भाषा में 5 शब्द एवं गणित में 5 शब्दों की पहचान। निर्धारित सूची में भाषा के 5 शब्द और गणित के 5 शब्दों की पहचान। ये मैं आप लोगों को जब लक्ष्य बताए थे उसमें बताया था, तो इसमें तीसरा वाला सही है, निर्धारित सूची के भाषा में 5 शब्दों की पहचान लेता और गणित में लिखी गई जो संख्याओं की तालिका है उसमें से वो 5 गिनतियों को पहचान लेता हो। यही हमारा कक्षा एक का प्रश्न तीन है, कक्षा चार के लिए गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य, यानी गणित में क्या है, जोड़ घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, भाषा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, गुणा के 75% प्रश्नों को सही कर लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये मैं आपको प्रेरणा लक्ष्य में बता चुका हूँ। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है तीसरा वाला सही है, गुणा के 75% प्रश्न बच्चा सही हल कर लेता हो। प्रश्न संख्या चार है, प्रेरणा सूची की सर्वोत्तम व्याख्या है। प्रेरणा लक्ष्यों की सूची, लर्निंग आउटकम की सूची, फोकल लर्निंग आउटकम की सूची, या फिर विषयवार कक्षावार फोकल लर्निंग आउटकम की सूची। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो प्रेरणा सूची है उसमें विषयवार और कक्षावार फोकल लर्निंग आउटकम की सूची तैयार करने के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका चार वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या पाँच, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, किस कक्षा की लर्निंग आउटकम है? कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कक्षा तीन का ये लर्निंग आउटकम है, यानी कक्षा तीन के बच्चे जो है घड़ी देखकर के समय बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, घर की भाषा में बच्चे कहानी सुना सकते हैं, किस कक्षा की लर्निंग आउटकम दक्षता है? कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, या फिर कक्षा चार। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपनी भाषा में, घर की भाषा में अगर वो कहानी आप लोगों को सुना पा रहा है तो निश्चित तौर पे वो कक्षा दो का बच्चा होगा, ऐसा लर्निंग आउटकम में माना गया है। प्रश्न संख्या सात, पाठ आधारित प्रश्नों पर उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिख सकते हैं, किस कक्षा की अपेक्षित क्षेत्र लर्निंग आउटकम है? कक्षा तीन, कक्षा चार, कक्षा पाँच, कक्षा आठ। यानी आपका जो बच्चा है वो आंसर 5 से 7 वाक्यों में लिख सकता है, तो ये किस कक्षा का आउटकम है? तो इसका सही आंसर होगा ये कक्षा पाँच का लर्निंग आउटकम है, यानी ये कक्षा पाँच से ऐसी अपेक्षा की गई है। प्रश्न संख्या आठ, बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं लर्निंग आउटकम का अंकन किया जाता है, यानी किस चीज़ में? प्रेरणा सूची में, प्रेरणा तालिका में, SAT सेट परीक्षा में, या वार्षिक परीक्षा में। तो इसका आंसर आपको देना है कि कौन सी वो परीक्षा है जिसमें इनका आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा तालिका में।
तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य कब तक हासिल किया जाना है, अर्थात उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनने का लक्ष्य कब तक का है? मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022 या मार्च 2023? ये सबको रटा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य रखा गया मार्च 2022, यानी ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाएगा? BEO द्वारा, SRG द्वारा, ARP द्वारा, हेडमास्टर एवं ARP द्वारा। तो इसका भी सही आंसर है चौथा, हेडमास्टर और ARP द्वारा। ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट।